वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन आजा पाव
वचन आत्मा और जीवन है, मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, कुछ वचन आज प्रभु ने दिए हैं हमें याद दिलाने के लिए कि हमें प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि संत पौलुस ये कहता है, ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। एक वचन मैं आपके लिए पढूंगा, तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे। आज जिस समाज में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, अनेक परेशानियां हैं, अनेक चिंताएं हैं, और बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि अंतिम दिनों में अधर्म जो है सिर चढ़ के बोलेगा। अधर्म के कारण बहुत सारे लोग मार डाले जाएंगे, बहुत सारे लोग अत्याचार करेंगे, धर्मी बहुत सा अत्याचार सहेंगे। तो अंत के दिनों के जो लक्षण हैं, आज प्रभु उससे हमें आगाह करना चाहता है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोलें, नया व्यवस्थान तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और परनिंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर होंगे, असंयमी होंगे, क्रूर और हर प्रकार की भलाई के बैरी होंगे। विश्वासघाती और दुस्साहसी होंगे और वे घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। तो अगर हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे पास पड़ोस में ये सब काम होते हैं तो इसमें आश्चर्यचकित करने की कोई बात नहीं है। इसमें आश्चर्यचकित करने की, असमंजस में पड़ने की कोई बात नहीं कि ऐसा क्यों, इतना अहंकार क्यों, इतना स्वार्थ क्यों, इतना घमंड क्यों, इतना झूठ क्यों। क्योंकि बाइबल ये कहती, अंत के दिनों में ऐसा हो जाना अनिवार्य है। लोगों का अधर्म उनके सिर चढ़कर बोलेगा, और बाइबल कहती है तब सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट विल कम, जिसे हम परोसिया कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में लिखेंगे, अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं, इसलिए आपको समय असमय सुसमाचार सुनाते रहने की आवश्यकता है। जब आप देखोगे कि ये सारे चिन्ह हमारे समाज में, परिवार में और जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो समझ लेना कि अंत निकट आ गया है। इसलिए आप लोग तैयार रहना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ और अपने जीवन को नष्ट ना कर लो। इसलिए संत पेत्रुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे कि वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए।
आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुध लेता है। तो जब अत्याचार हमें सहना पड़े, जब हमारे साथ यीशु के नाम पर कोई अत्याचार हो, शोषण हो, तो ऐसे समय में बाइबल कहती है आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने घुटना टेकें और उसके सामने विनम्र बने रहें, जिससे कि आपको उपयुक्त समय में वह ऊपर उठाए। बोलिए आमेन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे इस वचन को, याद करना। हालेलुया, हालेलुया। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय पांच पद संख्या छह। प्रभु का वचन कहता है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुध लेता है। हालेलुया। तो अंत के दिनों में जो अधर्म, प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में चलेगा, होगा, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है और संत पौलुस हमसे अनुरोध करता है कि आप उन दिनों में ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। कुछ और वचन पढ़ेंगे कि जब अंत आ जाएगा तो उसके और चिन्ह क्या होंगे। अगले वचन में लिखा है लोग विश्वासघाती होंगे, दुस्साहसी होंगे, घमंडी होंगे, वे भोग विलास के पुजारी होंगे, वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहना। ये लोग घरों में छिपे छिपे घुसते हैं और उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते, जो अपने पापों के भार से दबकर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित हैं, जो सदा सीखना चाहती हैं किंतु सच्चाई के ज्ञान तक पहुंचने में असमर्थ हैं। जिस तरह यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, उसी तरह ये लोग सच्चाई का विरोध करेंगे। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इनका विश्वास कहता है कच्चा है, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मूसा के विरोधियों की तरह इनकी मूर्खता भी सबों पर प्रकट हो जाएगी। तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम और धैर्य से अच्छी तरह परिचित हो। तुम जानते हो कि अंताकिया, इकोनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया। मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। अत्याचार सहना ही पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अंत के दिनों का जो अधर्म है, जिसके चिन्ह आप अपने पास पड़ोस में देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे, लड़ाई झगड़ा, अहंकार, मन मुटाव, दलबंदी, चोरी, नशा, ड्रग्स, अश्लीलता और हर प्रकार के घिनौने पाप, अपोस्टसी, जिसे हम ईश्वर को त्यागना जिसे हम कहते हैं, उन दिनों में प्यारे भाइयों और बहनों प्रकट होगा। ग्रेट अपोस्टसी ऑफ जेंटाइल्स, मतलब गैर यहूदियों के द्वारा ईश्वर को संपूर्ण रूप से त्याग दिया जाना, ये अंत के दिनों में प्रकट होगा। वे अपने अविश्वास के कारण ईश्वर को रिजेक्ट करेंगे और कहेंगे कि ईश्वर है ही नहीं, इसलिए वो भोग विलास और शैतान की पूजा करेंगे, वो उसे प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे।
परंतु बाइबल कहती है कि तुम लोग सावधान रहना, समय रहते उन चिन्हों को पहचान लेना, प्रायश्चित करना, जागते रहना, जिससे कि तुम अंत में उस घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। और ऐसे विषय में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया, 10 कुमारियों का दृष्टांत, जिसमें 5 ना समझ थी और 5 मूर्ख थी। जो समझदार थी वो जब दूल्हे की आगवानी करने के लिए गई तो अपने दिए में जो तेल तो उन्होंने भरा था, लेकिन उसके साथ कुप्पी में और थोड़ा लेकर गई कि हो सकता है दूल्हे को आने में देर हो जाए और कहीं उनके दीपक बुझ ना जाएं, क्योंकि उन दिनों में दूल्हे का इंतजार किया जाता था, जैसे कि आप लोग आज भी घरों में इंतजार करते हैं, कब आएगा पता नहीं है, बारात कितनी देर में आएगी आपको मालूम नहीं है। तो इसी तरह से ये 10 कुमारियों में से 5 जो समझदार थीं, वो अपनी कुप्पी में तेल ले गईं, और जो दूसरी नासमझ थी वो अपनी कुप्पी में तेल लेकर नहीं गईं। दूल्हे को आने में देर हो गई और वो सो गईं, ऊंघने लगीं। आधी रात के समय आवाज आई, प्रभु का वचन कहता है कि दूल्हा आ रहा है, उसकी आगवानी करने के लिए जाओ। तो जिनकी कुप्पियों में तेल था, जिनके दीपक जल रहे थे, वो तो उठकर आगवानी करने के लिए चल पड़ी, लेकिन जिनके दीपक बुझ गए थे उन्होंने उन कुमारियों से निवेदन किया कि अपनी कुप्पी में से थोड़ा तेल हमें भी दे दो, जिससे कि हमारे दीपक भी जले और हम भी तुम्हारे साथ उनकी आगवानी करने के लिए जाएं। लेकिन उन्होंने कहा, क्या पता ये तेल हमारे लिए पर्याप्त ना हो, इसलिए तुम जाओ और दुकान से खरीद कर ले आओ। और वो लोग दुकान में खरीदने के लिए चली गई। जब तक वो लौट कर आती हैं, बाइबल कहती है दूल्हा आ पहुंचा, और जो समझदार थी, जिनके दीपक जल रहे थे, वो दूल्हे के साथ विवाह मंडप में प्रवेश कर गई। और जब तक ना समझ कुमारियां लौटती हैं, तब तक द्वार बंद हो चुका था। उन्होंने कहा, हमारे लिए दरवाजा खोलो। वो कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्योंकि एक बार जब मंडप का द्वार बंद हो जाता था तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसे नहीं खोला जाता था, इसलिए वो बाहर ही रह गए। क्यों? क्योंकि वे तैयार नहीं थी। तो अंत के दिनों के अधर्म के विषय में जब आप और मैं सुनते हैं, तो संत पौलुस इसी बात को दोहराता है कि आप लोग वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आज वो दिन है परमेश्वर से समझौता करने का, आज वो दिन है ईश्वर से मिलाप करने का, आज वो दिन है अपने भाई से प्रेम करने का, आज वो दिन है अपनी पत्नी को क्षमा करने का, आज वो दिन है अपने भाई से जो मन मुटाव है, गिले शिकवे वो दूर करने का। वचन को सुनना और उसको अपने जीवन में चरित्रार्थ करना। कहता है, तुम में से अगर हर कोई व्यक्ति अपने भाई बहन बेटी बेटे या अपनी माता पिता को क्षमा नहीं करेगा, तो ईश्वर तुम्हें भी क्षमा नहीं करेगा। धरती पर जो कुछ करना है आप कर लीजिए, मरने के बाद कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ न्याय होगा, सिर्फ न्याय होगा। और हमारे जीवन की पुस्तक हमारे सामने खोल कर पढ़ी जाएगी। इसलिए आज आप लोग जो इस वक्त आराधना में बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ये ईश्वर की ओर से, आत्मा की ओर से है जो आपकी अगुवाई कर रहा था कि आपके दीपक जलते रहें। कौन सा दीपक जलना चाहिए? विश्वास का दीपक, प्रेम का दीपक, क्षमा का दीपक, सहनशीलता का दीपक, निस्वार्थ भाव का दीपक। लेकिन आज तो दुनिया के अलग ही दीपक जलते हैं, हर तरीके के अलग दीपक जलते हैं। किसी का घमंड बड़ा ऊंचा है, तो किसी का अहंकार बड़ा ज्यादा है, तो किसी ना जाने कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण जिंदगी के दिए बुझे पड़े हैं, रिश्तों के दिए बुझे पड़े हैं। आज रिश्तों की लड़ाई में लोग लड़के अपने परिवारों को बर्बाद कर चुके हैं। आप दो लोगों में
विचारों की भिन्नता है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप रिश्तों की लड़ाई क्यों लड़ते हैं, अपने विचारों की लड़ाई लड़िए। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा मेरे बाप से रिश्ता खत्म हो जाता है। पति की बात पत्नी के समझ में नहीं आती, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका वैवाहिक रिश्ता टूट गया है। घर में अगर कोई समस्या है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने रिश्तों को खत्म कर दें। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को समझना, प्रभु आपको याद दिलाना चाहता है, वो आपसे बोलना, आज आपसे बताना चाहता, बोलना चाहता है कि ये अंत समय है, इसलिए तुम व्यर्थ के बातों से, भोग विलास से दूर रहो और शक्तिशाली ईश्वर के सामने घुटना टेक कर उसकी ओर तुम अग्रसर हो जाओ। एक वचन पढ़ूंगा कि लड़ाइयां क्यों होती हैं। संत पौलुस लिखता है तिमोथी के नाम दूसरे पत्र अध्याय 2 पद संख्या 22 के दूसरा भाग, धार्मिकता, विश्वास तथा प्रेम और शांति की साधना आप लोग करते जाओ, निरर्थक तथा ऊटपटांग विवादों से अलग रहो, तुम जानते हो कि इनसे झगड़ा पैदा होता है। सुना आपने ध्यान से, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, नौजवान बेटे और बेटियों, आपने सुना कि झगड़ा क्यों पैदा होता है? सबने सुना, समझ में आया आप लोगों को? निरर्थक तथा ऊटपटांग विवादों से अलग रहो, तुम जानते हो कि इनसे झगड़ा पैदा होता है। अगर किसी की समझ में ये आ गया कि आपका जो वाद विवाद का विषय है वो ऊटपटांग बातें हैं जिनका कोई हल नहीं है, तो आप झगड़ा नहीं करेंगे। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहेंगे और आपका रिश्ता, आपका परिवार, आपका घर नरक से कम नहीं होगा। जीते जी आप अपनी जिंदगी में नरक का अनुभव करेंगे, जैसा कि कुछ दंपति, कुछ परिवार अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में कुछ परिवार जिनमें इस प्रकार की बातें हैं वो किसी नरक से कम नहीं है। मार काट, चोरी, लड़ाई, झगड़ा, वैशीपन, ड्रग्स, नशा, बर्तन तोड़ना, बर्तन फेंकना, बिस्तर जला देना, घर से बाहर गाड़ी को आग लगा देना और घर की तबाही करना, प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का काम नहीं, ये दुष्ट आत्मा का काम है जो उनके बीच में प्रवेश करके उन पूरे घरों को बर्बाद करती। इसलिए प्रभु कहता सावधान रहो, सावधान रहो। संत पौलुस कहता वर्तमान समय का लाभ उठाओ। कहने का तात्पर्य यह कि जो वचन आप सुन रहे हैं इसे चरित्रार्थ करना तो आपके घर की समस्या का समाधान हो। आगे लिखा है प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए, वह शिक्षा देने के लिए तैयार रहे और उस आशा से विरोधियों को नम्रता से समझाए कि वे ईश्वर की दया से पश्चाताप करें और सच्चाई को पहचानें। संत पौलुस कहता है आप सच्चाई को पहचानिए, अपने रिश्तों की सच्चाई को जानिए, अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को जानिए, अपने प्रेम को प्रकट कीजिए, वाद विवाद से दूर रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तिमोथी का दूसरा पत्र, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 22, पद संख्या 22, धार्मिकता, धार्मिकता, विश्वास, विश्वास, प्रेम तथा, प्रेम तथा, शांति की साधना करते रहो, शांति की साधना करते रहो, निरर्थक तथा, निरर्थक तथा, ऊटपटांग विवादों से अलग रहो, ऊटपटांग विवादों से अलग रहो, तुम जानते हो, तुम जानते हो कि इनसे, कि इनसे झगड़ा पैदा होता है, झगड़ा
पैदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे आशीष दीजिए, जिससे कि मैं आपके वचन पर चल सकूं, आपके वचन पर अपने जीवन में चरित्रार्थ कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, आज यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार स्वर्ग बने, आप इन अंतिम दिनों में ईश्वर की आशीष को ग्रहण करें, तो इन वचनों पर चलना और इन्हें अपने जीवन में धारण करना आपके और मेरे लिए आवश्यक है। दूसरी आज की विशेष बात, हमारे नौजवान बेटे और बेटियां, वो अपने मार्ग से भटके हुए हैं, धार्मिकता के मार्ग से भटके हैं, विश्वास की उनमें कमी हो चुकी है, ड्रग्स और नशे ऐसी आदतों के शिकार हैं, अनेक प्रकार से वो अपने जीवन में असफल हैं, निर्णय लेने में असफल हैं। इसलिए लिखा गया है कि नवयुवकों को समझाओ। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2:6, नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम रखें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रमाणिक और गंभीर हो, तुम्हारे उपदेश हितकर और अनित्य हो, इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में हमारी निंदा ना कर सकने के कारण लज्जित होगा। कहता है नव युवकों को समझाओ, नव युवतियों को समझाओ, इन्हें तुम अच्छे उदाहरण दो, इन्हें तुम अच्छी शिक्षा दो, जिससे कि ये शैतान के हर एक प्रलोभन से बचे रहें। क्योंकि विश्वासियों की शिक्षा ये है कि बुजुर्गों को भी समझाओ, कहता है बुजुर्गों को भी समझाओ, उन्हें संयमी गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास भ्रातृ प्रेम एवं धैर्य में परिपक्व होना चाहिए। ना केवल बच्चों को, ना केवल युवक युवतियों को, बल्कि कहता है सीनियर सिटीजन्स को भी समझाओ, बुजुर्गों को भी समझाओ जो अपनी कर्तव्य पूरा कर चुके हैं। कहता है कि बुजुर्गों को गंभीर होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, बातचीत में उन्हें प्रभु के वचन के अनुसार बोलना चाहिए, विश्वास में पक्के होना चाहिए, धैर्य में पक्के होना चाहिए। इसी प्रकार कहता है वृद्धाओं को भी समझाओ और वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो, वे किसी की झूठी निंदा ना करें और ना मदिरा की व्यसनी हो, वे अपने सदाचरण के द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति अपने बच्चों को प्यार करें। यह शिक्षा है आज की। सुन रहे हैं आप लोग, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, आप सुन रहे हैं, एक एक व्यक्ति के साथ प्रभु बातें कर रहा है कि बुजुर्ग महिलाओं को समझाओ कि वे तरुण स्त्रियों को, मतलब नौजवान बेटियों को शिक्षा दिया करें, अच्छे उदाहरण उन्हें दिया करें। किस चीज के लिए? कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें, समझदार और शुद्ध और सुशील हों, अपने घर का वे अच्छा प्रबंध करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा ना कर सकें। ये आज का वचन है, ये आज का वचन है जिससे कि प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि ये अंत के दिन हैं, अंत के दिनों के ये लक्षण आप आस पड़ोस में देख रहे हैं, ग्रेट अपोस्टसी, विश्वास को त्यागना और ऐसी तमाम बातें, यूनिवर्सल कन्वर्शन ऑफ जूस एंड जेंटाइल्स, ये अंत के दिनों में आपको देखने को मिलेगा। कि ऐसे बहुत सारे लोग प्रभु के नाम को सुनकर अपना मन फिराएंगे, अपने हृदयों, अपने विचारों और अपने बुरे विचारों का खतना करके परमेश्वर की ओर लौटेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ एंटी क्राइस्ट भी, प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में पैदा होंगे और आएंगे और लोगों को, कलीसियाओं को बहकाएंगे और ईश्वर से उनको दूर करेंगे। ये अधर्म के दिनों के निशानी होगी
और आप देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। वे लोग कहेंगे कि मैं ही हूं, वे ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर के पीछे चलो, वो कहेंगे कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, मेरे जीवन मेरी ओर देखो, या मैं ऐसा कर रहा हूं। इस प्रकार के एंटी क्राइस्ट अंत के दिनों में पैदा होंगे। और कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 675, जो इस बात को समझते हैं, हमारे कैथोलिक कलीसिया की जो किताब है जिसमें चर्च के तालीम संबंधी नियम जो लिखे गए हैं, उसमें 675वां नियम जो है उसमें यह लिखा हुआ है कि ऐसा हो जाना अनिवार्य है। चर्च मस्ट पास थ्रू द फाइनल ट्रायल। कलीसिया को इस फाइनल ट्रायल से होकर गुजरना अनिवार्य है ताकि सच्चे विश्वासियों का पता लगे, आत्मा और हृदय की सच्चाई से आराधना करने वालों का पता लगे, उनके विश्वास की परख हो, इसलिए यह अत्याचार होना अनिवार्य है। क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास की परख, हमारे दुख की, हमें दुख की भट्टी में डाल कर करेगा। और ऐसे समय में, अंत के दिनों में, सूडो मिशियनिज्म जिसे हम कहते हैं कि फॉल्स प्रॉफिट्स और फॉल्स मसीह पैदा होंगे जो लोगों को भरमाएंगे। जैसा कि प्रभु का वचन ये कहता है, वे लोग कहेंगे देखो ईश्वर का राज्य यहां है, बोलेंगे यहां है, बोलेंगे वहां है, इधर आ जाओ, और एक के बाद एक प्यारे भाइयों और बहनों वो अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहेंगे। इसलिए मैंने कई मर्तबा आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों का जीवन तो ऐसा है 12 महीने और 13 पास्टर। आज यहां काम नहीं हुआ तो कल वहां चलेंगे, कल वहां नहीं हुआ तो परसों वहां जाएंगे, परसों वहां नहीं हुआ तो किसी दूसरी जगह जाएंगे। ये आज के लोगों की हकीकत है, विडंबना है प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन आप लोग आश्चर्यचकित मत होइए, क्योंकि ये बाइबल की बातें हैं और इनका एक एक वचन, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। जैसा कि यीशु ने कहा कि संहिता की एक एक मात्रा और एक एक बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जब दुख और कष्ट आते हैं, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, मुझे आत्म त्याग करने की कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से यीशु ने क्या कहा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 12 और उससे आगे। जब अधर्म बढ़ेगा तो क्या होगा, सुनिए ध्यान से। जिसके पास बाइबल है वो खोले, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 12। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा। क्या घटेगा? प्रेम भाव घट जाएगा। आगे लिखा है, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले, और तब अंत आ जाएगा। पद संख्या 35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। कहता मेरे शब्द नहीं टल सकते। जो कह दिया है, जो लिख दिया गया है, उसका पूरा हो जाना अनिवार्य है। लेकिन तुम जानते हो कि अगर तुम धीर बने रहोगे तो तुम विजय प्राप्त करोगे, और अपने धैर्य के कारण तुम पुरस्कृत होगे, अपनी धार्मिकता के कारण तुम पुरस्कृत होगे। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा मुझे आशीष प्रदान कीजिए, विश्वास में धीर बने रहने की कृपा प्रदान कीजिए,
हालेलुया 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 हालेलुया। तो जब यह दिन आएगा, जब यह महासंकट होगा, तो देखिए क्या होगा। यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 15, जब तुम लोग मंदिर में उजाड़ का वह विभत्स दृश्य देखोगे जिसकी चर्चा नबी दानियल ने की, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर का सामान लेने नीचे ना उतरे, जो खेत में हो वह अपनी चादर ले आने के लिए ना लौटे। उनके लिए शोक, जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जाड़े के समय अथवा विश्राम के दिन को भागना ना पड़े, क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा जैसा संसार के आरंभ से अब तक कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। ये चिन्ह है प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु का मंदिर उजाड़ बन जाएगा, मतलब वहां लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, वो खाली पड़े रहेंगे, उन्हें किसी और चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर पवित्र आराधना होती थी अब वो महखाने बन जाएंगे, या फिर किसी रेस्टोरेंट में या किसी अन्य चीज में उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा। तो समझ लेना कि संकट का दिन आन पड़ा है और घोर संकट का दिन होगा, और ऐसी परिस्थिति में तुम इधर उधर नहीं भागना। यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे देखो मसीह यहां है अथवा वह यहां है, तो विश्वास तुम नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाया करेंगे दिखाएंगे। यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते, देखो मैंने तुम्हें पहले से ही सचेत किया है। पाकमान कलीसिया के मेरे प्यारे विश्वासियों, मसीह में विश्वास करने वाले प्यारे लोगों, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इस वचन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे। लोगों को खुश करना छोड़ दीजिए, भीड़ के पीछे जाना बंद कर दीजिए, आप मंदिर में बैठिए, प्रभु से बातें कीजिए, वचन को पढ़िए, क्योंकि ये वचन दुधारी तलवार है, ये वचन आपकी जिंदगी का रास्ता है, ये वचन आपके पांव का दीपक है, ये वचन आत्मा की सच्चाई से लिखा गया है, आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, इसमें ईश्वर का मन है, इसमें चेतावनी दी गई है कि आपको निजात कैसे मिलेगी, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, आपका छुटकारा कैसे होगा, आपके जीवन में प्रभु कैसे कार्य करेगा, आपको स्वर्ग राज्य की प्राप्ति कैसे होगी, ये सब कुछ इस पवित्र बाइबल में लिखा गया। इसलिए आप इसे घर में अवश्य पढ़ें, यह आपका जीवन बदल देगी यदि आप सचमुच इसे पढ़ेंगे। मैंने आपके सामने कई वचन पढ़े हैं, मैंने अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोला, जो परमेश्वर ने बोला है बोलने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों मैंने आपको वही सुनाया। इसलिए सुंदर वचन संत पौलुस लिखता है कि आप लोग समय असमय सुसमाचार सुनाया करो। सुसमाचार क्या है बताइए मुझे, क्या है सुसमाचार? सुसमाचार यह है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार यह है पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार यह है कि यीशु ने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को झिलाया, उसने अर्धांग रोगियों को शुद्ध किया। अब वो न्याय के दिन फिर से आएगा और न्याय करने के बाद वो हमें अपने साथ वापस लेकर जाएगा। ये सुसमाचार है, सुनाना लोगों को, साक्ष्य देना कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति संभव है, किसी दूसरे व्यक्ति में मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए लिखा है मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी मानकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूं कि सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाया करो, डांटो और ढारस बंधाओ,
क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और उनके पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। ये वो समय आ गया है। आप देख रहे हैं आपके आजू बाजू कलीसियाओं में, आप देख रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे संसार भर की पूरे दुनिया में इतनी कलीसियाएं हैं, इतने डिनोमिनेशन हैं कि हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं। लगभग 40,000 से ज्यादा डिनोमिनेशन हैं जो कलीसियाएं हैं, लेकिन आत्मा एक है, यीशु मसीह एक है। तो मेरा आपसे और उन लोगों से अनुरोध है कि आप यीशु का वचन बोलें, आप उसके नाम का प्रचार करें, आप उसके साक्षी दें, अपनी अन्य बातों या मनगढ़ंत बातों का नहीं। जो बाइबल में लिखा गया है आप उसे पढ़ें, उसे मनन चिंतन करें और उसे सुनाएं, क्योंकि निर्गमन ग्रंथ में लिखा हुआ है ये वचन तुम्हारे लिए साधारण वचन नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। यीशु ने कहा ये वचन आत्मा की शिक्षा है और इन वचनों के द्वारा तुम अपने जीवन में उद्धार पाओगे। इसलिए प्रियजनों, इस वचन को अपने घर में आप नियम बना लीजिए कि रोज पढ़ना है, और ये वचन आपको कभी भी नीचा गिरने नहीं देगा, ये आपको ऊपर उठाएगा। और अब जब परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों हमें ऊंचा उठाता है तो किसी की ताकत नहीं है कि वो हमें गिरा दे, क्योंकि पवित्र वचन ये कहता है जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। कहता है जब तक ईश्वर मिलता है तब तक तू उसके पास चली जा, और जब वो मिल जाता है तो वो तेरी सहायता करेगा और तू उन तमाम बुराइयों का खंडन करेगी। लिखा है इब्रानियों के पत्र में, यदि वे पथभ्रष्ट होते हैं तो उन्हें पश्चाताप के मार्ग पर ले आना असंभव है, क्योंकि वे अपनी ओर से ईश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर आरोपित करते और उसका उपहास करते। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को त्याग देता है और उसके विरुद्ध उठ खड़ा होता है, और या फिर पवित्र आत्मा या वचन को या संहिता को अस्वीकार करता है, तो वह पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि उन्हें पश्चाताप के मार्ग पर लेकर आना असंभव है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 6 और उससे आगे, क्योंकि वे अपनी ओर से ईश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर आरोपित करते और उसका उपहास करते। आज मसीह लोग, कलीसिया के लोग जब पाप करते हैं, जब आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, जब दलबंदी करते हैं, निंदा करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, कलीसियाओं में जब झगड़े होते हैं, तो आज फिर से हम यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। उसे दुख होता है प्यारे भाइयों और बहनों, जिस कलीसिया के लिए उसने अपना प्राण निछावर किया वो कलीसिया एक होकर नहीं रह सकती। उनमें दलबंदी, उनमें ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, गाली गलौज, नशा और हर प्रकार की गंदी चीजें उनमें निवास करती हैं, और ये मसीहों का बुरा व्यवहार यीशु को आज फिर से उसी कलवरी पर, क्रूस पर फिर से चढ़ने को मजबूर करता है। जब आप फिर से उसी पाप में गिर जाते हैं, जब आप शैतान की पूजा करने लग जाते हैं, जब आप भोग विलास के पुजारी बन जाते हैं, तो आप फिर से यीशु को क्रूस पर आरोपित करते हैं और उसे आपके कारण दुख सहना पड़ता है। तो ईश्वर का पुत्र होने के नाते संत पौलुस कहता है उन्होंने आज्ञा पालन सीखा, मेरे और आपके लिए दुख सहा, कष्ट सहा, इसलिए आप लोग सतर्क रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, ताकि आप न्याय के दिन विश्वास में और धार्मिकता में दृढ़ पाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके पवित्र लहू को मैं अपने शरीर पर सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो संत पौलुस हमें समझाता है इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13 और उससे आगे,
कि जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान के द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इस संबंध में पवित्र आत्मा का साक्ष्य भी हमारे पास है। पहले वह बोलता है, प्रभु ये कहता है, मैं उनके लिए ये विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। और इसके बाद वह फिर कहता है कि मैं उनके पापों और अपराधों को कभी याद नहीं रखूंगा। इन वचनों पर मनन चिंतन करें। प्रभु पहले बाइबल हमें बताती है, संत पौलुस लिखता है कि उन्होंने अपना बलिदान देकर मुझे और आपको पवित्र किया। अब वही प्रभु ये कहता है कि मैं उनके शत्रुओं को उनके पैरों तले डाल दूंगा। अब वो आत्मा, प्यारे भाइयों और बहनों, ये कहता है कि मैं अपने नियम उनके हृदय में रख दूंगा, मैं उनके पापों और अपराधों को कभी याद नहीं रखूंगा। इसलिए जब हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं जहां पर घोर अत्याचार है, तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास में दृढ़ बने रहने की कृपा दे। आमीन।